अभी का सोल्यूशन है डाउट नट। सिंपली आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और आपको 5 सेकंड के अंदर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र या फिर कोई भी अदर स्टेट बोर्ड का हो, क्लासेस 6 से लेकर 12 तक और आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस और नीट तक के लिए सभी का सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सभी का सोल्यूशन मिलेगा डाउट नट ऐप पे। साथ ही डाउट नट पे पढ़िए कोटा के टॉप फैकल्टी लाइक डीबी सर, एनजी सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, तो आप सभी पढ़ाई होगी डाउट नट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे यूज कर रहे हैं, तो जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो आई थिंक हम सभी लोग लाइव आ चुके हैं। क्या आप सभी को वॉइस मेरी आ रही है? प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए प्लीज़। क्या सभी को मेरी वॉइस आ रही है? और आप सभी को गुड मॉर्निंग, जो भी बच्चे गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं प्लीज़ एक बार आप लोग जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। एक मिनट प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर ब्रश खोल लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ कि आज क्या होने वाला है, क्या होगा। मैं आपको एक एक अपडेट देने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके, थैंक यू सो मच। सो प्यारे बच्चों, आप सभी ने क्लियर कर दिया कि वॉइस आ रही है। सो देखिए प्यारे बच्चों, आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन हो सकता है जिसका आपको बहुत दिनों से वेट था। और वीडियो को मैं स्टार्ट करूं, इस लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करूं, उससे पहले एक गुड न्यूज आपको दे दूं कि ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि लास्ट टाइम सीबीएसई ने क्लास 12th वाले बच्चों के लिए जो सीबीएसई नहीं सुप्रीम कोर्ट जी ने क्लास 12 का जो लास्ट ईयर रिमेनिंग पेपर जो बचा हुआ था उसको कैंसिल कर दिया था। तो उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये डिसीजन दिया था, आज वही जज हमारे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर अपना फाइनल डिसीजन सुनाने वाले हैं। सो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा न्यूज हो सकता है। अब मैं आपका कमेंट पढ़ लूँ सर, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, 11 AM में हियरिंग होने वाला है, बस 10 मिनट्स बाकी है। मैं आपको एक एक चीज़ लाइव अपडेट दूंगा और 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपका फाइनल डिसीजन आ जाएगा, मतलब कि बाय 11:10 AM तक आपको सभी कुछ पता चल जाएगा। गुड मॉर्निंग आप सभी को प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। जो जो बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको सारा अपडेट दूंगा, एक एक पल का, एक एक वर्ड क्या क्या हो रहा है सभी कुछ आपको बताऊंगा। हेलो सर, अजय जी हेलो, बिल्कुल लव यू सर, लॉट्स ऑफ लव। कार्तिक जी, सुकनीत जी, बिल्कुल बहुत अच्छा हूं, आप सभी लोग कैसे हो? कैंसिल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर? देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो लास्ट टाइम क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने का डिसीजन जिस जज ने दिया था, सेम जज आज भी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर बोलने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये आपके लिए गुड न्यूज हो सकता है, बट स्टिल वी हैव टू वेट प्यारे बच्चों। पंकज जी बिल्कुल मैं बहुत अच्छा हूँ। भैया बहुत टेंशन हो रही है, आकांक्षी सिंह जी बोल रहे, बिल्कुल टेंशन सभी बच्चे को हो रहा होगा, आई टोटली एग्री, बट टेंशन लेने वाली बात है नहीं, बस कुछ टाइम का वेट है। निखिल जी थैंक यू सो मच, हर्ष जी थैंक यू सो मच। सो प्यारे बच्चों, सीधा मैं आपको चलता हूँ लाइव लो के वेबसाइट में, यहाँ से आपको सारा अपडेट मिल जाएगा कि कितने मतलब कि क्या क्या हो रहा, आपको एक एक पल का अपडेट सबसे पहले यहाँ पर देने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर लाइव आया हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कल ममता शर्मा मैम का एक ट्वीट दिखा दूँ, जो आज हमारे लिए आपके लिए लड़ रहे हैं, आज ये एडवोकेट मैम आज आपके लिए मतलब कि अपनी बातें रखने वाले। सो प्यारे बच्चों देखिए, कल ममता शर्मा मैम ने एक यहाँ पर गूगल फॉर्म सभी बच्चे और पेरेंट्स और टीचर से फिलअप करवाया था, जहाँ पर टोटल 1.5 लाख पीपल या फिर बोल सकते स्टूडेंट या फिर टीचर या फिर पेरेंट्स ने फिलअप किया है, जहां पर मोर देन 93% बच्चों का ये मानना है कि क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम हर हाल में कैंसिल होना चाहिए। रीजन क्या दे रहे हैं मैक्सिमम बच्चे कि हमें कोविड से डर लग रहा है, कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि हमने अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए क्योंकि पूरे साल ऑनलाइन क्लासेस चले हैं, ये सभी कुछ हुआ है और डेफिनेटली इससे मैं एग्री करता हूं। प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मैं आपकी बातें सुन रहा हूं प्यारे बच्चों।
हेलो सर, कैसे हो? पंकज जी, बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ, फिंगर क्रॉस, बिल्कुल बस 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है प्यारे बच्चों, 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। सो आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन हो सकता है। निखिल जी, बिल्कुल सभी लोग को ऑलमोस्ट डर लग रहा है, बट टेंशन वाली बात है नहीं, बस थोड़ा सा सब्र आपको और करना है, आपको फाइनल डिसीजन मिल जाएगा। सो टेंशन आप सभी लोग मत लीजिए प्यारे बच्चों। सर आपको क्या लगता है, ममता सिंह जी पूछ रहे हैं, देखिए अगर मैं बोलूं कि लास्ट टाइम भी यही जज थे तो उसको देखते हुए लगता है कि कुछ अच्छा हो सकता है, बट स्टिल हम लोग बस थोड़ा देर का टाइम बचा हुआ है, वेट कर लेते हैं प्यारे बच्चों, वहां पर हमें पता चल जाएगा। और जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस 5 to 7 मिनट्स के बाद हियरिंग स्टार्ट होने वाला है, सो प्लीज़ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो जो क्वेश्चन है आप सभी का मैं यहाँ पर पढ़ ले रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन क्या क्या है। सर मेरा नाम लीजिए। हाँ युगल जी, थैंक यू सो मच, आपके टेलीग्राम ग्रुप से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला है, सो आपको तो दिल से शुक्रिया। सर क्या हिस्ट्री वापस से रिपीट होगी? बिल्कुल हो सकती है, देखिए हिस्ट्री रिपीट डेफिनेटली हो सकता है, बट देखना है कि क्या हिस्ट्री इस बार भी रिपीट होता है जो लास्ट टाइम हुआ था, क्या इस बार वो चीज़ होने वाला है। हम लोग थोड़ा सा बस वेट करेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और कि बहुत सारे आर्टिकल्स ने ये बोला था कि CBSE क्लास 9th, 10th, 11th और 12th का मार्क्स को कंसिडर कर सकता है, बट मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। अगर कैंसिल होता है तो मेरे अकॉर्डिंग बस क्लास 12 के मार्क्स को ही कंसिडर करना चाहिए, 11th में बच्चों के मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते हैं। अनमोल जी, कोई भी मैंने ऐप यूज नहीं किया, डायरेक्ट YouTube से ही लाइव आया हूं। बिल्कुल सिमरजीत जी, बिल्कुल आप बोल रहे हैं, आज मतलब फैसला का टाइम आ गया है, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। अजय जी, सर डर लग रहा है, हार्ट बीट बढ़ रहा है, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ प्यारे बच्चों, बट टेंशन मत लीजिए, बस कुछ देर का बात है। कार्तिक जी, बिग शॉट आउट टू यू। हाँ कब तक चलेगा हियरिंग मैं आपको बता दूँ, 10 मिनट्स के अंदर ही सभी कुछ क्लियर हो जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग है, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, डायरेक्ट टू द पॉइंट बातें होते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए टेंशन आपको नहीं लीजिए, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा हियरिंग। गौरव जी, थैंक यू सो मच। आदित्य जी, सर मैं अभी पूजा करके आया हूँ, ये बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों। और 1000 बच्चे लोग देख रहे हैं, प्लीज जल्दी से 1K लाइक पहुंचा दीजिए दोस्तों, जल्दी से 1K लाइक पहुंचा दीजिए, होपफुली फर्स्ट चैनल टू बी लाइव एंड ओनली। बिल्कुल थैंक यू सो मच सिमरजीत जी। देखिए हमारा चैनल कभी भी बच्चे को मतलब हमेशा ट्राई करता है कि कम टाइम में और 100% ट्रू न्यूज आपको प्रोवाइड करे, सो आप सभी का इतना प्यार है और इतना सपोर्ट है तभी हमारे साथ इतने बच्चे लाइव स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं। सुशील जी, सर अगर आप जज होते तो क्या करते? देखिए मेरे अकॉर्डिंग अभी के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन यही होगा कि अभी के लिए एग्जाम को कैंसिल करके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे रिजल्ट को डिक्लेयर कर देना चाहिए। जब भी कंडीशन नॉर्मल होता है अगस्त में या फिर कभी भी, तो उस टाइम जो बच्चे एग्जाम देना चाहते उनका एग्जाम ले लिया जाए। क्या इससे अच्छा कुछ हो सकता है? डिसीजन मेरे अकॉर्डिंग नहीं, बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट जी का क्या मानना है वो हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। CBSE के तरफ से भी और ICSE बोर्ड की तरफ से भी एडवोकेट बैठेंगे, देखते वो लोग अपना फाइल में क्या सबमिट करते हैं, उनकी बातें क्या रहेगी। ओमवीर सिंह जी, बिल्कुल प्यारे बच्चों यहाँ पर अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी से आप लोग बताइए कि जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करीब 1K से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी से मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने बच्चे को लगता है कि आज कुछ पॉजिटिव न्यूज आने वाला है, कितने बच्चे को लगता है कि नहीं पॉजिटिव न्यूज नहीं आएगा, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। कितने बच्चे को लगता है कि आज थोड़े देर में 5 मिनट्स के बाद एग्जाम कैंसिल होने के चांसेस ज्यादा है, क्या लगता है प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों। सर कैंसिल, गुड मॉर्निंग मोहित जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, यस नो नो यस, लव यू सर, लॉट्स ऑफ लव, नो नो नो, नेगेटिव, यस यस,
सो प्यारे बच्चों, मतलब आधा आधा मुझे रिस्पॉन्स दिख रहा है। बहुत सारे बच्चे का तो ना भी बोलना है कि सर मुझे नहीं लगता है कि आज कोई कैंसिल का डिसीजन आएगा, और बहुत सारे बच्चे का यस भी बोलना है। सो हम लोग पॉजिटिव होप करते हैं, और हो सके तो अगर कुछ सही न्यूज आ जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, 11 बस 3 मिनट्स बचा हुआ है, उसके बाद तो हियरिंग स्टार्ट हो ही जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, CBSE ने ऑलरेडी डेडलाइन दिया था कि 1 यहां पर जून को हम लोग फाइनल डिसीजन सुना देंगे। सो प्यारे बच्चों, 1 जून तो गीता जी, थैंक यू सो मच फॉर 40 रुपीज सुपर चैट एंड बिग शॉट आउट टू यू गीता जी, थैंक यू सो मच। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, CBSE ने बोला था कि 1 जून को फाइनल डिसीजन यहाँ पर हम लोग सुना देंगे, और आज 31 हो गया। तो भाई कल ही तो हमारा 1 जून है, सो मेरी अकॉर्डिंग आज CBSE अपनी फाइनल बातें रख सकती है, सो हमें वेट करना है। सर आज डिसीजन आएगा कि नहीं, देखिए प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, सो होपफुली आज डिसीजन आ सकता है। प्यारे बच्चों, बिल्कुल जो जो बच्चे बोल रहे हैं कि समरी वीडियो में डेफिनेटली जैसे डिसीजन आता है एक समरी वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन 11:10 AM तक मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो 2 मिनट में हियरिंग स्टार्ट होने वाला है और 5 to 10 मिनट्स में सभी कुछ खत्म हो जाएगा। अशोक जी, बिल्कुल आपका नेम ले लिया। मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच। सर क्या होगा आज होपफुली जो भी हो आपके अच्छे के लिए हो, हम लोग वेट कर रहे हैं प्यारे बच्चों कि आपके फेवर में ही कोई अच्छा डिसीजन आए। सोमिल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर 20 रुपीज सुपर चैट, बिग शॉट आउट टू यू सोमिल बंसल जी। सर ओनली 1 मिनट बचा हुआ है, बिल्कुल बस 1 मिनट बचा हुआ प्यारे बच्चों, सभी की दिल की धड़कन तेज हो गई होगी, बट आई होप आप सभी लोग स्ट्रांग है। प्लीज़ थोड़ा सा और वेट कीजिए, 1 मिनट के अंदर हियरिंग स्टार्ट होने वाला है, सो होपफुली आपके फेवर में डिसीजन आ सकता है। और प्यारे बच्चों, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर यश वर्धन जी, थैंक यू सो मच फॉर योर 90 रुपीज सुपर चैट। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बस हियरिंग स्टार्ट होने वाला है। साक्षी जी, बिल्कुल कैसे हो, बिल्कुल मैं सभी का रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ प्यारे बच्चों। वन थाउजेंड लाइक आप सभी ने पहुंचा दिया, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। बिल्कुल लाइव ज़्यादा नहीं होगा, बस हियरिंग स्टार्ट होने वाला है 1 मिनट के अंदर। मैं सीधा चलता हूँ जहाँ से हमें डायरेक्ट सब कुछ मिलेगा। सो ये रहा हमारा, और यहाँ पर हमें सारा अपडेट, एक एक सेकेंड का अपडेट हमें यहाँ पर मिलेगा। ओमबीर जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट। सो प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, बस यस बिल्कुल हियरिंग में टाइम नहीं लगता, ये हियरिंग है, ये कोई मीटिंग नहीं है 2 घंटा का, 10 मिनट्स के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट टू द पॉइंट बातें होती है, लंबा चौड़ा बिल्कुल भी नहीं होता है। गौरव जी, बिल्कुल मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, आई होप आप सभी ने भी कर लिया होगा। सर आज बस बता दे, बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ कि बच्चे को आप ज़्यादा अनसर्टेनिटी में ना डाला जाए, आज ही सब कुछ क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि आखिर हमारे प्यारे बच्चे कब तक वेट करेंगे बताइए। सभी को हैप्पी मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जो जो गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आ गया है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैटर आपका क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर बस थोड़े देर में स्टार्ट होने वाला है, हम लोग वेट कर रहे हैं। गोस्वामी जी, थैंक यू सो मच। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1400 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, बिल्कुल आपका नेम मैंने ले लिया। सौरभ जी, बिल्कुल आपका नेम भी मैंने ले लिया, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, हियरिंग बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है, हो लगता है कि सब कुछ तैयारी हो गई होगी, 1 से 2 मिनट के अंदर हियरिंग स्टार्ट होने वाला है। अभिनव जी, बिल्कुल सभी का नेम ले लूंगा, टेंशन मत लीजिए प्यारे बच्चों।
स्मार्ट बॉय बिल्कुल आप बोल रहे हैं सर, स्क्रीन से कमेंट हटाइए। देखिए जैसे ही ये स्टार्ट होगा मैं कमेंट हटा दूंगा, मैं आपको डायरेक्ट अपडेट ही दूंगा। बस अभी तक हाँ एक दो मिनट आई थिंक और लगेगा, थोड़ा सा हमें वेट करना है। जैसे ही हियरिंग स्टार्ट होता है मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। सर चांसेस कितने एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर? देखिए अब मैं चांसेस बताऊं, जब आपका 2-3-4 मिनट के अंदर डिसीजन आने वाला है सो प्रोबेबली आप लोग वेट कर लीजिए ना प्यारे बच्चों, चांसेस बताने से अच्छा थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। जी गौरव जी बिल्कुल, अलग सर को कौन नहीं जानता, आई थिंक सभी जानता होगा। सो प्यारे बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, डेफिनेटली हमारे साथ 1500 प्यारे बच्चे लोग जुड़े हुए हैं, सो जल्दी से लाइक कर दीजिए। हियरिंग स्टार्ट होने ही वाला है। अभिनव जी थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। सो प्यारे बच्चों खुशी जी बिल्कुल आपका नेम भी मैंने ले लिया, MPR सभी का नेम ले लूँगा, टेंशन मत लीजिए दोस्तों। इज पैटर्न चेंज? अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तो यहाँ पर सब कुछ होने वाला है, हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आज क्या होगा। जी बिल्कुल, मैं रांची में रहता हूँ प्यारे दोस्तों। सिद्धार्था जी बिल्कुल आपका नेम भी मैंने ले लिया। अंजलि जी सभी का नेम ले रहा हूँ प्यारे बच्चों, टेंशन मत लीजिए, बट फिलहाल हमें वेट करना है, 2-3 मिनट वेट कीजिए प्यारे बच्चों। अब देखिए कभी कभी थोड़ा सा हियरिंग में लेट हो जाता है, 11 AM का टाइम हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी ने दिया था बट 11 से ऊपर हो चुका है, अभी तक स्टिल स्टार्ट नहीं हुआ है, सो थोड़ा सा और वेट कीजिए, यहाँ पर हमें सब कुछ पता चल जाएगा। रुपेश जी बिल्कुल आप सभी का नेम ले रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए प्यारे बच्चों। आशू जी बिल्कुल, जो पूछे सर आप कैसा? बिल्कुल अच्छा हूँ। तो प्यारे बच्चों बस 11:04 हो गया, ऑलरेडी हमारा थोड़ा सा लेट हो चुका है। अब देखिए ये हमारे हैंड में नहीं है, हो सकता थोड़ा सा डिले हो गया हो, कोविड का टाइम चल रहा है, वर्चुअल मीटिंग हो रहा है, सो थोड़ा सा हमें और वेट करना है, उसके बाद ये स्टार्ट होने वाला है। आदर्श जी बिल्कुल मैंने आपका नेम भी ले लिया, यहाँ पर एक मिनट प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर आई थिंक, देखिए यहाँ पर थोड़े देर में आपका स्टार्ट होने वाला है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने कुछ खुद अपडेट किया है कि 11 AM में CBSE और ICSE एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर हियरिंग होने वाला है। सो आई थिंक अब ऑलमोस्ट या फिर अबाउट टू स्टार्ट है, प्लीज़ आप लोग वेट कीजिए, मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूँगा। जी बिल्कुल नहीं, देखिए हियरिंग लाइव शो नहीं होता, ये थोड़ा सा प्राइवेट, बट हमें एक एक लाइन एक एक वर्ड पता चलेगा कि क्या हो रहा है, सो आप लोग टेंशन मत लीजिए प्यारे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ SG मेहता सर, ये कौन है मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इन्होंने क्या बोला है कि आप हमें अगर 2 दिन का और टाइम देते तो हम लोग अपना फाइनल डिसीजन सुना देते। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा और वेट कीजिए, आई थिंक हियरिंग स्टार्ट हो चुका है, प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग और वेट कीजिए, हियरिंग स्टार्ट आई थिंक सो हो चुका है। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इन्होंने लिखा है कि यू टेक द डिसीजन बट यू इफ़ यू डिपार्ट फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर पॉलिसी यू नीड टू गिव अस गुड रीजन, लास्ट ईयर डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर गुड डिलीवरेशन। प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट जी ने यही बोला है कि लास्ट टाइम जो आपने प्रीवियस ईयर हमें बोला था, जो आपने यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट हमें बताया था, वो काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा लगा था, सो आप हमें एक प्रॉपर रीजन दीजिएगा। सो प्यारे बच्चों थोड़ा सा हम लोग और वेट करते हैं, उसके बाद हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा और वेट कीजिए, 1-2 मिनट का बात है, सभी कुछ क्लियर हो जाएगा।
प्यारे बच्चों, यहाँ पर हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज जी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोला है। प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारे ममता शर्मा मैम है, जैसा कि आपको पता होगा, जो हम सब के फेवर में लड़ रहे, तो यहाँ पर जजेस ने बोला है कि लास्ट टाइम CBSE ने क्लास 12 के रिमेनिंग सब्जेक्ट का पेपर को कैंसिल किया है। सो इस बार भी सभी बच्चे को, इवन बहुत सारे बच्चे को ये होप है कि इस बार भी क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो के लास्ट ईयर जैसा ही कोई पॉलिसी CBSE लाएगी। तो प्लीज़ आप हमें एक प्रॉपर रीजन दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सो प्यारे बच्चों, प्लीज़ थोड़ा सा और वेट कीजिए, सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ थोड़ा सा और वेट कीजिए, यहाँ पर मैं कंटिन्यूसली रिफ्रेश कर रहा हूँ, सभी का नेम ले लूँगा, पहले थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बोला है, 2200 बच्चे हमें देख रहे हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। हम लोग एक एक सेकेंड का अपडेट आपको सबसे पहले दे रहे हैं प्यारे बच्चों। सो प्लीज़ एक सेकेंड का मतलब आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, हर एक वर्ड का अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, प्लीज़ इस बात का ध्यान में रखिएगा। सर मुझे ये संडे को बुक दे, निशु जी इसके बारे में मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन होने वाला है। दोस्तों हियरिंग स्टार्ट हो चुका है, ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। जल्दी से जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और वेट कीजिए, अभी ये चल रहा है, जितना हुआ उतना तक मैंने आपको बता दिया। स्टिल अभी ये वर्चुअल मीटिंग चल रहा है, मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं पर भी मत जाइएगा। बिल्कुल हाँ, अगर हमारे फेवर में डिसीजन आता है तो मेरे हिसाब से हमारे जितना खुश तो कोई और नहीं होगा प्यारे बच्चों। मैं दिल से चाहता हूँ कि आपके फेवर में डिसीजन आए। स्टिल हम लोग बने हुए हैं कि क्या डिसीजन आने वाला है। प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, दोनों के बीच में आपस में कन्वर्सेशन चल रहा है, बट स्टिल अभी तक इसे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। थोड़ा सा और वेट कीजिए, आपको पता सब कुछ चल जाएगा, बट डेफिनेटली हियरिंग स्टार्ट हो चुका है। हमारे जजेस का मानना है कि क्या जो आपने लास्ट ईयर एग्ज़ाम कैंसिल किया था, क्या वो इस बार भी नहीं हो सकता है, ऐसा हमारे जजेस ने पूछा है। सो देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा बस और वेट कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है, हो सकता है कि आपके फेवर में डिसीजन आए। 2100 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 1900 बच्चे ने लाइक कर दिया है। प्लीज़ आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए प्यारे बच्चों। दोस्तों मैं एक एक अपडेट आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ अगर मैं थोड़ा सा बीच में चुप हो जाता हूँ तो आप लोग समझिएगा कि मेरे पास एक और मोबाइल है जहाँ पर मैं एक एक चीज़ को देख रहा हूँ आपके लिए। तो डेफिनेटली आप लोग थोड़ा सा और वेट कीजिए, सभी अपडेट मैं आपको सबसे पहले देने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हमारे ममता शर्मा मैम ने क्या बोला है, यहाँ पर द प्रोसेस नीड टू बी एक्सपीडिटेड एल्स स्टूडेंट हु विश टू अप्लाई अब्रॉड विल फेस प्रॉब्लम। इन्होंने क्या बोला ममता शर्मा मैम ने, कि जो बच्चे को बाहर एग्ज़ाम देना है अब्रॉड में जाके दूसरे कंट्री में जिनको एडमिशन लेना है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर हम लोग एग्ज़ाम को जुलाई या फिर अगस्त के मंथ में कंडक्ट करवाते हैं, तो हमारे बेंच ने क्या बोला है कि वी कैन हैव इट ऑन थर्सडे। आई थिंक प्यारे बच्चों, जो हमारे CBSE बोर्ड है और ICSE बोर्ड है,
उन्होंने बोला है कि हम लोग 2 दिन के अंदर फाइनल डिसीजन लेंगे। सो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हमें और वेट करना है कि क्या हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी ने इसको पोस्टपोन करके वापस से 7 थर्सडे कर दिया है या फिर क्या हुआ है। प्लीज़ थोड़ा सा और वेट कीजिए, मैं आपको सभी कुछ क्लियर कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। सार्थक जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, ओके। सो आई थिंक प्यारे दोस्तों, फिर आपका फाइनल डिसीजन निकल के आ गया है और थोड़ा सा गलत हुआ है प्यारे बच्चों। यहाँ पर हुआ क्या, मैं आपको बता दूँ कि CBSE और ICSE के जो हमारे एडवोकेट जुड़े हुए थे उनके अनुसार हम लोग 2 दिन के अंदर फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर हर एक चीज़ पे गौर दे रहे, ध्यान से देख रहे हर एक चीज़ को। सो हम लोग अपना फाइनल डिसीजन 2 दिन के अंदर बच्चे को सुना देंगे, इसलिए प्लीज हमें 2 दिन का टाइम दिया जाए, ऐसा CBSE और ICSE बोर्ड के एडवोकेट जी ने बोला है। सो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि ठीक है, हम आपको 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, बट थर्सडे तक आप लोग सभी कुछ क्लियर कर दीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग बच्चों, अब इस चीज को पोस्टपोन कर दिया गया है वापस से हियरिंग को, क्योंकि CBSE का कहना है कि हम लोग 1 या फिर 2 जून को बच्चे को पब्लिकली सभी कुछ हम लोग बता देंगे। सो प्यारे बच्चों, ये हियरिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है वापस से CBSE और ICSE के रिक्वेस्ट पे, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मेरे हिसाब से आज ये फाइनल डिसीजन आ जाना चाहिए था, बट ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए, CBSE और ICSE बोर्ड ने रिक्वेस्ट किया है, यही होता है प्यारे बच्चों कि जब हमारे एडवोकेट थोड़ा सा टाइम मांगते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उनको टाइम दे देते। फिलहाल आज भी यही हुआ है। 2600 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ममता शर्मा मैम ने तो अपना बेस्ट ट्राई किया, उन्होंने बोला, बट यहाँ पर जो CBSE ने टाइम मांगा है वो टाइम उनको दे दिया गया है, जो मेरे हिसाब से आपके साथ उतना सही नहीं हुआ। बट आई थिंक कल या फिर परसों आपको अब पता चलेगा, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी खुद ऑफिशियली ट्वीट करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बट एक अच्छी न्यूज आपके लिए निकल के ये आ रही है, मैं आपको बता दूँ। देखिए दोस्तों, एक आपके लिए अच्छी न्यूज ये निकल कर आ रही है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज है उन्होंने क्लियर कट CBSE को बोला है कि जो लास्ट टाइम आपने क्लास 12 के रिमेनिंग सब्जेक्ट का जो पेपर कैंसिल किया था, क्या वो इस बार नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, इवन ममता शर्मा मैम ने भी इसको लेकर पिटीशन फाइल किया है। तो ये क्वेश्चन हमारे जज ने CBSE और ICSE बोर्ड से पूछा है, तो इससे हमें कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जो जजेज है वो आपके फेवर में है और वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बच्चों का लाइफ रिक्स में नहीं डाला जाए। तभी उन्होंने क्वेश्चन किया CBSE से, क्या इस बार भी लास्ट ईयर की तरह क्या एग्जाम कैंसिल नहीं किया जा सकता है। बट इसकी रिप्लाई में क्या बोला CBSE ने कि हमें 2 दिन का टाइम चाहिए। सो प्यारे बच्चों, एक मिनट में बस मैं पानी पी लेता हूं। सर, कल क्या चीज़ का डिसीजन आएगा? देखिए मैं आपको बता दूं, कल या फिर परसों तक सभी कुछ क्लियर हो जाएगा, ऐसा CBSE ने खुद बोला है। देखिए मैं आपको समरी बता दूं, एक मिनट रुकिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समरी बता देता हूँ। देखिए समरी क्या है, सबसे पहले आपको पता होगा कि आज हियरिंग स्टार्ट हुआ। जैसे हियरिंग स्टार्ट हुआ तो हमारे सुप्रीम कोर्ट जी ने बोला कि क्या आप लोग एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं कर सकते, आपने लास्ट टाइम भी किया था, तो क्या इस बार भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया जा सकता है। तो CBSE और ICSE बोर्ड ने क्या बोला कि हमें बस 2 दिन का और टाइम दिया जाए, 2 दिन के
अंदर हम लोग सभी बच्चे को ऑफिशियली क्लियर कर देंगे कि हमारा स्टैंड क्या है। तो इससे ये पता चलता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी भी बच्चों के फेवर में है, कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि बच्चों के लाइफ को रिस्क में ना डाला जाए। और CBSE ने 2 दिन का टाइम मांगा है, मतलब कि कल या फिर परसों तक सभी कुछ ऑफिशियली क्लियर कर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ, प्लीज कीजिए। सर बट कल आने वाला ना, बिल्कुल कल या फिर परसों CBSE ने टाइम मांगा है, तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए ये हमारे हैंड में नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आपको फेवर किया है, सो डेफिनेटली ये आपके लिए अच्छी बात है प्यारे बच्चों, कि एटलीस्ट जजेस का मानना है कि एग्जाम को कैंसिल किया जाना चाहिए। इवन वो आपके फेवर में है, तभी तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या आप लोग लास्ट ईयर की तरह इस बार भी एग्जाम को कैंसिल नहीं कर सकते। ये अच्छी बात थे और ये गुड इंडिकेशन भी है प्यारे बच्चों। प्रियांशु जी बिल्कुल, मैंने आपका नेम ले लिया। विद्या देवी जी बिल्कुल, आप लोग वेट कीजिए, कल तक होपफुली सब कुछ क्लियर हो सकता है। तो प्यारे बच्चों एक बार मैं वही देख लेता हूं, देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर हियरिंग था उसको थर्सडे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। जब हमारे CBSE के जो एडवोकेट है उन्होंने बोला कि हम लोग 2 दिन के अंदर फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं, बट इन्होंने ये भी बोला कि आप जो भी डिसीजन लीजिएगा उसका हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या फिर प्रॉपर रीजन दीजिएगा। सौरभ जी इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, थोड़ा सा और वेट कीजिए, कल या फिर परसों तक का CBSE ने टाइम मांगा है। क्या होगा, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, नया पैटर्न में होगा, कुछ भी पता नहीं चला है। सो हमें और 2 दिन का वेट करना पड़ेगा, बिल्कुल तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख यही आ रहा। बच्चों मैं क्या बताऊँ, बताइए एक बार मैं आपको और भी जगह से अपडेट आपको बता देता हूँ कि जो जो हुआ है। देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 2 दिन के लिए हियरिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इस बार भी यही हो रहा है प्यारे बच्चों। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये भी आ रही है कि जजेस ने ये बोला है कि क्या आप लोग लास्ट ईयर की तरह इस बार भी क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। और तो CBSE ने क्या बोला कि हमें 2 दिन का टाइम चाहिए। तो हमारे जजेस ने क्या बोला है कि आपको 2 दिन का टाइम चाहिए, ठीक है हम आपको 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, बट अगर आप लोग लास्ट ईयर की तरह डिसीजन नहीं लेते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग आपके जो बातें हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है प्यारे बच्चों, जो कि मैंने आपको बता दिया। और आई होप 2 दिन के अंदर अगर आपके फेवर में डिसीजन आ जाता है तो इससे अच्छी बात आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। अनन्या शर्मा जी बिल्कुल, नाम ले लिया। प्यारे बच्चों हमारे साथ जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं आपकी फीलिंग का रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि कितने दिन आप लोग वेट कीजिएगा बताइए, बट CBSE ने अपने मुंह से सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि हमें बस 2 दिन का टाइम चाहिए। तो 2 दिन का टाइम उनको दिया गया है, तो डेफिनेटली 1st या फिर 2nd जून को सब कुछ पता चल जाएगा। सो प्यारे बच्चों मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, इतना आप लोग वेट किए तो प्लीज़ 2 दिन और वेट कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों हमारे एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सभी अपडेट हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा।
समरी क्या है, समरी वीडियो भी मैं आपको बना दूंगा, बट फिलहाल देखिए मेन हुआ क्या है कि आपका जो फाइनल डिसीजन है वो आपका फर्स्ट या फिर सेकेंड जून को आएगा। बट अगर CBSE एग्जाम कैंसिल नहीं करती है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट में CBSE को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं कैंसिल कर रही है, जबकि कोविड का जो खतरा है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हाई है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए सभी कुछ बता दिया है। अब मैं ये लाइव स्ट्रीम को थोड़े देर के अंदर एंड कर दूंगा, क्योंकि एक शॉर्ट समरी वीडियो बना दीजिए गौरव जी, बिल्कुल बना दूंगा, बस दो मिनट वेट कीजिए। मैं सर ममता शर्मा मैम ने क्या बोला, देखिए ममता शर्मा मैम ने कोर्ट में यही बोला कि बच्चे को एब्रॉड में जाना है पढ़ाई करने के लिए, बच्चों का रिजल्ट ही नहीं आएगा तो बच्चे एब्रॉड में कैसे जाएंगे, इतना ही बोला गया। बट CBSE ने खुद ही बोल दिया कि हमें दो दिन का टाइम चाहिए। सो प्यारे बच्चों, हाँ सरस्तक जी बिल्कुल, आपका नेम भी मैंने ले लिया। सो जो जो चीज़ें हुआ मैंने आपको बता दिया। अब मुझे नहीं लगता है कि इसके आगे वीडियो कंटिन्यू करने का कोई सेंस बनेगा, मैंने आपको सारा आंसर दे दिया। तो प्यारे बच्चों, यही बातों के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं जल्द एक समरी वीडियो लेके आने वाला हूँ, प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, एक गुड न्यूज आपके लिए और है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंट क्या दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप लास्ट ईयर का जो पॉलिसी है प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए और क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम को कैंसिल कीजिए, ऐसा हिंट दिया गया है जो कि डेफिनेटली आपके फेवर में है। सो हमें वेट करना है, हो सकता है कि आपके फेवर में डिसीजन आने वाला है। सो फिलहाल मैं इस वाले लाइव स्ट्रीम को एंड करता हूँ। एक समरी वीडियो आ रहा है, प्लीज आप लोग उसका वेट कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, जल्दी से वीडियो लाइक करके, जो बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर दीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा से आपके साथ थे, साथ है और साथ रहेंगे। और आप सभी ने 1,05,000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए, उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्यारे बच्चों, इस वाले लाइव स्ट्रीम को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। एक समरी वीडियो आने वाला है निशु जी, डेफिनेटली मैं आपसे इस पर बात करूंगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेंशन मत लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जब जज आपके साथ है तो टेंशन क्यों लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज सबसे पहले आप लोग बाय बाय बोल दीजिए, मैं यहाँ पर आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और डोंट वरी, देख के यही लग रहा है कि आपके फेवर में डिसीजन आने वाला है। सर थैंक्स फॉर द रिप्लाई, मोस्ट वेलकम। बाय सर, बाय बाय, चलिए थैंक यू सो मच प्यारे दोस्तों। बाय अजय जी, सभी को बाय बाय बाय। जंगली शेर अनामिका जी थैंक यू सो मच, उसके बाद सुकनी जी सभी को थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और समरी वीडियो आ रहा, अनमोल जी बिल्कुल, आपको भी थैंक यू सो मच। सो सभी बच्चे को बाय बाय, प्लीज़ घर पर रहिए, सेफ रहिए और डेफिनेटली अच्छा डिसीजन आने वाला है, सो हम लोग उसका वेट करेंगे। मनीष जी समरी वीडियो आ रहा है, वहां पर आपको पता चल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।